यानी इंटरनेशनल स्कोर ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बेटा हम लोग अपना चैप्टर कर रहे थे फर्स्ट, तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे बेटा सेकंड, उसका क्वेश्चन नंबर फोर पे हम आ गए थे। तो हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मैंने आपको बताया था किसी दो नंबर का अगर आप प्रोडक्ट क्या निकालते हैं प्रोडक्ट, तो वो किसके इक्वल आता है, उन दो नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन है, हम कॉल करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो है गिवन दे रखा है आपको एचसीएफ दे रखा है किसी भी टू नंबर का। देखो एचसीएफ आपको कैसे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फोर आपको दे रखा है एचसीएफ। आपको दे रखा है एचसीएफ 306 एंड 657। आपको बताया था मैंने कि जिन दो नंबर का आपको एचसीएफ दिया गया है वो दो नंबर भी साथ दिए जाएंगे आपको ब्रैकेट में, ठीक है। और आपको उनका एलसीएम निकालना है, यानी इस एचसीएफ में आपके पास तीन इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास एचसीएफ दे रखा है 9 और वो दो नंबर भी बता रखे हैं किन दो नंबर का ये एचसीएफ है आपके पास, और आपको निकालना है एलसीएम इन्हीं दो नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो नंबर है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास जो दे रखा है आपको दो नंबर उनका एचसीएफ और आपको एलसीएम निकालना है, यहां से आपके पास आपका एलसीएम आ जाएगा। यहां से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 2233। अगर इनको आप डिवाइड करते हो सॉल्व करते हो तो आपके पास जो एलसीएम आएगा 223 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पे बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, तो लिखा है बेटा चेक वेदर 6^n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। क्वेश्चन में बेटा वही कह रहा है कि 6^n जो आपके पास दे रखा है इसमें n एक नेचुरल नंबर है, अगर n की हम कोई भी वैल्यू लें तो 6^ जो भी पावर है अगर आप n की कोई वैल्यू चूज करते हो क्या उसका आंसर जो आएगा वो 0 से n हो सकता है, या उसकी बर्थ प्लेस की डिजिट जो है वो 0 आ सकती है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए 0 अगर लास्ट में किसी में आता है तो 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से चेक करेंगे कि जो 6^n की जो हमारा फैक्टर बन रहा है क्या बन रहे हैं 2 × 3 / n। तो यहाँ पे आपके पास अगर 6 के आपने फैक्टर बनाए तो आपके पास 2 और 3 आया, तो इसमें 5 नहीं आया। अभी मैंने आपको बताया अगर इसकी कोई भी डिजिट अगर 0 से n होती है तो 5 से डिविजिबल जरूर होगा वो, ठीक है। बट यहाँ पे आपके पास 6 के जो फैक्टर है कोई 5 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आप स्टेटमेंट ले सकते हैं हियर इसमें 5 फैक्टर अवेलेबल नहीं है, तो आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं इसी प्लेस टू दी पावर एन कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, ठीक है। 6^n जो है आपका 0 से डिविजिबल नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें क्या है आपके पास 5 जो फैक्टर है बेटा, फैक्टर 5 जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट कंटेन फैक्टर 5, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो इसमें 6^n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा बेटा वो
कह रहा है कि तो आपको दो फॉर्म दी हुई है और ये पूछ रहा है कि क्या दोनों ये आपके पास कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर मैंने बताया था आपको क्या होते हैं, जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, वन इटसेल्फ और उनके अलावा भी एक फैक्टर होता है, इसलिए क्या इससे ज्यादा हो सकता है, तो नंबर को क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हम चेक करके बताएंगे कि आपका कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो आपके यहाँ जो नंबर दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा, ये है आपके पास 7 × 11 ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो कैसे करेंगे देखो बेटा इसको, ये आपके पास यहाँ पे 13 कॉमन आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास क्या बचेगा 7 × 11 + 1। ठीक है, अब आप इसको करेंगे 13 × 17 + 1 और आपके पास आएगा 13 × 18। ठीक है, और आप इसको लिखेंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई आ जाएगा 1012। ठीक है, अब आप इसको ऐसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखना चाहें तो आपके पास इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर आएंगे 2 × 3 × 13 × 13। ठीक है, तो आपके पास इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 × 3 × 13। तो आप ये देख रहे हो कि मोर देन टू फैक्टर आ रहे हैं, 2 भी डिवाइड कर रहा है इसको, 3 भी कर रहा है, आपके पास 13 भी आपको ये डिवाइड कर रहा है 13 में, तो मोर देन आपके पास टू फैक्टर्स आ गए। तो आपके पास कह सकते हो 7 × 11 × 13 + 13 इज ए कंपोजिट नंबर। तो आपको आपको लिख देना है इट इज ए कंपोजिट नंबर, इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, सो 7 × 11 × 13 + 13 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, ये आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर आपको पता है जिसके मोर देन टू फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट भी है, वो आपको खुद से ट्राई करना है सेकंड पार्ट में जो आपको दे रखा है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि एक तो ना आपका एक गर्ल है जिसका नाम है सोनिया, ठीक है, दूसरे बॉय का नाम है रवि। तो सोनिया जो है आपको सर्कुलर पाथ हमें बताया गया है, किसी भी सर्कुलर पाथ में सोनिया और रवि को चक्कर लगाना है और उनका कंप्लीट चक्कर लगाने का भी आपको बताया हुआ है कि सोनिया है, सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में। ठीक है बेटा, 18 मिनट, रवि चक्कर लगाता है 12 मिनट, यानी सोनिया एक कंप्लीट राउंड करती है 18 मिनट में और रवि करता है आपका एक कंप्लीट राउंड 12 मिनट। तो अगर सोनिया और रवि एक ही पॉइंट से चले, सोनिया और रवि अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो सेम टाइम पे, तो वो अभी तो स्टार्टिंग पे एक जगह मिले हुए हैं, तो वो ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि जब वो स्टार्ट कर देंगे दौड़ना तो उसके बाद उनकी टाइमिंग अलग है, इसलिए अगर उनकी स्पीड अलग अलग होगी तो वो आगे पीछे हो जाएंगे। तो ये बता रहा है कि फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के बाद वो दोबारा कब मिलेंगे, ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें आपको बताना है एलसीएम निकालना पड़ेगा इसका, कि एलसीएम से बता सकते हैं कि वो दोबारा कब मिलेंगे। ठीक है, यानी लीस्ट टाइम बताना है, लीस्ट कम से कम टाइम बताना है कि वो दोबारा कब मिलेंगे, कम से कम, क्योंकि मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम तो बार बार मिलते रहेंगे कभी ना कभी, लेकिन टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें लीस्ट टाइम बताना है, लीस्ट यानी एलसीएम बताना है इसके अंदर। तो हम यहाँ पे निकाल देंगे एलसीएम ऑफ इसका निकालेगा 18 and 12। ठीक है, एलसीएम आपको पता ही है, आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो
ये आपके पास आ जाएगा। एलसीएम बेटा आ जाएगा इसका आपके पास 2 × 3 × 3 × 2 और ये आपके पास 36 मिनट्स। यानी सोनिया एंड रवि वो जो दोनों अगर स्टार्टिंग पॉइंट से जो मिले हुए थे उसके बाद दोनों जब शुरू करेंगे तो दोबारा कब जाके मिलेंगे? दोबारा मिलेंगे बेटा वो 36 मिनट आफ्टर 36 मिनट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से आप एक चीज कैलकुलेट कर सकते हो, आफ्टर 36 मिनट सोनिया कितने राउंड लगा चुकी होगी। देखो अगर एक मिनट में वो 18 राउंड लगा रही है, 18 मिनट में 1 राउंड लगा रही है, तो 36 मिनट में कितने राउंड लगा रही है? 2 राउंड। इसी तरीके से अगर रवि 12 मिनट में एक राउंड लगाता है तो 36 मिनट में कितने राउंड लगा देगा? 3। अगर आपसे पूछा जाए कि राउंड भी कितने लगाए होंगे, आफ्टर हाउ मेनी राउंड वो मिलेंगे, क्वेश्चन तो अभी है कि हाउ मेनी कितने टाइम के बाद मिलेंगे, हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम। अगर अभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि आफ्टर हाउ मेनी रिवॉल्यूशन या हाउ मेनी रोटेशन कि वो दोनों आपस में मिलेंगे, तो आप ये भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा वो आता है इरेशनलिटी का। किसी भी नंबर को हमें इरेशनल प्रूव करना होता है, किसी भी नंबर को जो हमारे को नंबर गिवन है वो इरेशनल नंबर, तो उसकी इरेशनलिटी हमें प्रूव करनी है कि वो इरेशनल है या नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इरेशनल प्रूव करने के लिए हमने एक मेथड अपना रखा है, बाकी बच्चों को कराया भी है लेकिन जो बच्चे अटेंड नहीं कर पाए थे क्लास उनके लिए है कि किसी भी नंबर को अगर हमें इरेशनल दिखाना है तो हम उसको क्या दिखा दें कि वो रेशनल नहीं है। ठीक है, अगर रेशनल नहीं है तो बचा क्या? इरेशनल। यानी उसको हम पहले क्या लेके चलेंगे, अज्यूम करेंगे कि वो रेशनल है और फिर लास्ट में आके कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी कि वो रेशनल नहीं है। तो अगर रेशनल नहीं है तो जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो वही है, यानी रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर से पहले आपको इरेशनल प्रूव करना है हमें, तो इरेशनल प्रूव करने से पहले हमें रेशनल के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास जो रेशनल नंबर होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है जो क्यू है वो आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए, कंडीशन है आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी 10th क्लास में हमें रेशनल नंबर के बारे में क्या पढ़नी है, जो पी और क्यू है वो आपके क्या होने चाहिए, आपको बताया होगा पी और क्यू आपके पास क्या होने चाहिए, वो कोऑपरेंट होना चाहिए। पी एंड क्यू जो आपके पास रेशनल नंबर में पी अपॉन क्यू होता है या फिर ए अपॉन भी जो भी आप बोलते हो, उसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो आपके पास दोनों कैसे होने चाहिए, कोऑपरेंट नंबर्स। कोऑपरेंट नंबर्स मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, कोऑपरेंट नंबर्स वो होते हैं जिनका एचसीएफ कितना होता है 1, जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका ये 5/7 है, ये सिर्फ 1 की टेबल से कर सकते हैं, 1 की टेबल से आप काटोगे तो 1/5 = 5, 1/7 = 7, यानी आपके पास 5/7 ही रहेगा। तो यानी इसका एचसीएफ आपके पास 1 था, इसीलिए आपके पास एजिटिव आंसर आया। तो ये आपके पास जो पी है 5 क्या वो है जो 7 वो और क्या है कोऑपरेटिव नंबर्स, तो ये आपका रेशनल नंबर कहलाता है। अभी अगर मैंने ये दिया 35/49 तो बेटा ये रेशनल नंबर नहीं है, फॉर्म वही है पी अपॉन क्यू, बट ये जो सिंपलाइज फॉर्म नहीं है रेशनल नंबर की, इसमें हमें क्या करना है, इसको हम बोल तो सकते हैं बट ये किस तरह का रेशनल नंबर है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, जैसे उसके जैसा लिखने वाला। जैसे आप इसको पार्ट हो गया, इसको सॉरी इसको आप इसे आपको नंबर लेना है, यहाँ पे आपको लेना है 25/35। ठीक है, ये नंबर तो अभी क्या आएगा, ये दो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ये 1 की टेबल में भी कर सकते हैं लेकिन कोई और भी टेबल है इसमें कर सकते हैं, जैसे आप इसको 5 में भी कर सकते हैं, 5/5 = 25, 5/7 = 35। तो जो एक्चुअल जो रेशनल नंबर की जो फॉर्म है वो आपके पास है 5/7, ताकि 25/35 वो रेशनल नंबर है बट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर हमें एग्जैक्ट रेशनल नंबर बोलना है तो उसमें हमारा पी और क्यू जो है वो दोनों कोऑपरेटिव नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ये आपका सबसे
इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है, जो पी और क्यू है आपके पास वो दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, जिनका एचसीएफ क्या होगा आपके पास वन। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे इसमें बेटा, कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट पाई इज इल रेशियो। हमें रूट पाई से क्या प्रूव करना है बेटा, इल रेशियो, रूट पाई को इल रेशियो प्रूव करना है आपको। ठीक है बेटा, अब इल रेशियो प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हम क्या लेके चलेंगे एग्जूम करके, कि रूट पाई जो है आपका रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर को हम लेके चलेंगे तो हम ये दिखा देंगे लास्ट में कि हमारी एजम्पशन थी रॉन्ग थी। ठीक है, तो अगर एजम्पशन रॉन्ग थी कि रेशनल नंबर नहीं है तो हमारे लिए क्या बचेगा, इल रेशनल नंबर। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करना है देखो, सबसे पहले हम इसको एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट फाइव इज रेशनल। रूट फाइव को रेशनल लेके चलेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर ये रेशनल है तो हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है, मैं इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया। अगर ये रेशनल है वेयर पी एंड क्यू आर कोफाइनल, लिख भी देते हैं बेटा को पर। अब यहां से हमें क्या करना है बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहां हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा स्क्वेयरिंग रूट फाइव,
q is also divisible by 5. अभी हमने पहले बताया था कि root 5 को ले क्या लेके चल रहे हैं, रेशनल नंबर मान के चल रहे हैं, तो p upon 2 की फॉर्म होगी, जब k के और को अप्लाई है. बट यहां पे हमने क्या दिखा दिया कि p जो है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है और q जो है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है. तो यानी 1 की टेबल के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, तो p और q को प्राइम नहीं है. कोप्रेम नहीं है तो इसका मतलब हमारी एजेंसी जो थी रूट फाइव रेशनल नंबर लेके चल रहे थे वो रॉन्ग थी. ठीक है, तो आप लिख देना पी एन क्यू, पी एन क्यू आर डिविजिबल बाय फाइव. ठीक है, हेंस दे आर नॉट कोप्रेम, हेंस दे आर नॉट कोप्राइम. तो पी और क्यू अगर डिविजिबल का 5 है तो वो कोप्राइम नहीं है. तो कोप्राइम नहीं है इसका मतलब हमारी एजेंसी रॉन्ग थी. तो अवर एजम्पशन दैट रूट 5 इज और एजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल वाज रॉन्ग. ठीक है, तो अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या बचा, इररेशनल. सो रूट 5 इज इररेशनल. अच्छा बेटा, अब आपको इसमें बेस जितने भी क्वेश्चन है उसको यही करना है. अगर आपके पास रूट 5 है तो ये हमेशा जो है डिविजिबल बाय 5 ही आएगा. तो पी एन क्यू आर डिविजिबल से 5 आ रहा है. तो अगर आपके पास यहाँ पे रूट 3 दे रखा हो तो पी एन क्यू आर ऑल्सो आर डिविजिबल 3 आएगा आपके पास, तो तभी वो कोप्राइम नहीं कराएंगे. यानी आपको एक बेसिक क्या दे दिया, ये छोटी सी फॉर्मेट है आपके पास. सभी फॉर्मेट में आपको यही करना है कि यहाँ पे रूट में कोई भी वैल्यू दे दीजिए, रूट 2 दे रखा हो, अगर 2 दे रखा हो तो पी और क्यू 2 से केवल डिविजिबल बाय आएंगे, अगर 3 और 3 से आएंगे यहाँ पे 5 का 5 का आया था आपके पास. तो सारे जितने भी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें बेटा सारे आपको ऐसे ही करने हैं. तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा. ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे.